स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरे चैनल क्रैकओवर में। मैं सौरभ कुमार आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत सारी गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है तो आप उसे कैसे सही करें। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ऑटोमोटिव रिपेयर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो ये आपका पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का कंटेनर है रिजर्वायर, तो आप इसमें देखिए मैं आपको फोकस कर दिखाता हूँ इसमें कितना ऑयल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम है और यहाँ ऊपर में मैक्सिमम है, तो मिनिमम के ज़रा से नीचे है, देख सकते हैं हिल रहा है लिक्विड। देखिए मतलब लिक्विड डस्ट यहाँ तक है, पर मैं आपको गाड़ी अभी स्टार्ट करके दिखाऊंगा तो आप देखिएगा कि जो फ्लूइड है यहाँ से पूरा ख़त्म हो जाता है। इस जो टैंक है यहाँ से पूरा सक करके पंप में चला जाता है फ्लूइड, आपको यहाँ ज़रा से फ्लूइड नहीं दिखेगा। जैसा कि देख सकते हैं इसमें हिल रहा है तो आपको फ्लूइड दिख रहा है, ये देखिए फ्लूइड आपको दिख रहा है, पर मैं जब गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो ये पूरा फ्लूइड यहाँ से ख़त्म हो जाता है। आपको फिर पहले मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ऑयल ख़त्म हो चुका है। देखिए ज़रा सा भी ऑयल नहीं है इस कंटेनर में, तो इसलिए जब भी आपका जो पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का मिनिमम में आ जाए तो आप इसे रिफ़िल तुरंत कर लें, क्योंकि ये मिनिमम में आने के बाद ये प्रॉब्लम कर सकता है। मैंने अभी गाड़ी फिर से बंद कर लिया तो आप देख सकते हैं फिर से ऑयल आ गया इस लेवल पर। देखिए तो होता क्या है कि पूरा यहाँ इसमें जो ऑयल रहता है इसके नीचे ऑयल नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो मिनिमम है मिनिमम का ये जो जहाँ स्टार्टिंग है लिखने का इससे नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है पूरा पंप में एयर चला जाएगा, फिर पावर स्टीयरिंग सही से वर्क नहीं करेगा। मैं इसमें अभी सर्वो का जो ट्रांस फ्लूइड है मैं उसका यूज़ करूँगा, तो ये पावर स्टीयरिंग यूनिट के लिए भी है, पर इसमें अभी आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन ऑयल लिखा है, पर आप पीछे देखिएगा तो ट्रांसमिशन ऑयल एंड फॉर पावर स्टीयरिंग यूनिट भी लिखा हुआ है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऑयल का लिंक दिया हुआ है तो आप उस लिंक से आप उसे ख़रीद सकते हैं। अब मैं इसे कंटेनर में रिफ़िल करूँगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वाला सीधे कैप खोलना है, आप इस कैप को खोल लीजिए तो आपको इसमें एक फ़िल्टर दिखेगा, आपको इसमें ये एक फ़िल्टर दिखेगा, इस फ़िल्टर को देख लीजिए अगर गंदा है तो साफ़ कर लिया, वैसे ये तो साफ़ दिख रहा है, तो इसे सिंपली ऐसे लगा के और यहाँ जो मैक्सिमम तक मुझे इस ऑयल को डालना है तो सिंपली इसे खोल के अब हम ऑयल डालेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, इधर से हल्का हल्का जहाँ से ऑयल लीक हुआ वहाँ पोंछ लें इस कंटेनर को बाहर से, और आपको बस इसे यहाँ तक फिल करना है, यहाँ तक इस पॉइंट तक आपको फिलअप करना है, इससे ऊपर नहीं करना है फिलअप क्योंकि इतना एयर इसमें रहना चाहिए वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, तो इतना एयर रहना चाहिए। उसके बाद सिंपली आप इस कैप को लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स जब भी आपका पावर स्टीयरिंग जाम हो और आपका ऑयल कंटेनर में मिनिमम हो तो ऑयल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप भर दें, तो ऑयल का कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है, वही लगभग आपका ऑयल का कॉस्ट मुझे पड़ा था 260 रुपये, तो आपको ऑयल का कॉस्ट 260 रुपये पड़ेगा 1 लीटर का, और सर्वो का ही सबसे अच्छा होता है तो आप सर्वो का यूज़ करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत।